फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमें ये समझ आ गया कि ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद अब जब ऑथराइजेशन की बारी आएगी तो सबसे पहले इसका रूल देखा जाएगा, इसका रूल वन देखा जाएगा, फिर इसका रूल वन देखा जाएगा, फिर इसका रूल वन देखा जाएगा। ये इस ऑर्डर में प्रोसेस होंगे। जाहिर है यहां पर भी कंडीशन है, यहां पर भी कंडीशन है, यहां पर भी कंडीशन है। तो अगर जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई है आपको रेडियस या टेकेक से, उसका जो क्राइटेरिया है जो कंडीशन में डिफाइन किया है, अगर वो इस कंडीशन से मैच नहीं करता तो ऑब्वियसली लोकल एक्सेप्शन में बना हुआ रूल वन आप पर लागू नहीं होगा, आप अगले में चले जाएंगे। ग्लोबल एक्सेप्शन में आपने रूल वन बनाया हुआ है और उसका कंडीशन अगर मैच नहीं होता तो इस रूल का इतलाक भी आप पर नहीं होगा, आप अगले पे चले जाएंगे। और ऑथराइजेशन पॉलिसी जो है सेक्शन, इसके अंदर याद रखेंगे कि एक ना एक डिफॉल्ट रूल तो जरूर होता है जिसकी कंडीशन सबको मैच करती है, कोई इसकी जद से आजाद नहीं है। तो इस ऑथराइजेशन पॉलिसी में जो आपने रूल डाला हुआ है उसकी कंडीशन मैच हो गई तो ठीक ये चल जाएगा, नहीं मैच हुई तो इवेंचुअली डिफॉल्ट चल जाएगा। दिस इज हाउ अ पॉलिसी सेट इंटरनली इज प्रोसेस्ड। इंटरनली इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है हमने उस पर बात की है, बिलखसूस ऑथराइजेशन के रूल्स की ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग के हवाले से। तो जब हमें इन तीन सेक्शंस के होने का फंक्शन समझ आ गया है तो अब हमें इसका यूज केस बार बार जहन में आता है कि यूज केस क्या है, यूज केस क्या है। तो यूज केस इसका हमेशा इमरजेंसी वाला होगा। नॉर्मल हालात में आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज बनाएंगे और आपकी जो यूजुअल ऑथराइजेशन पॉलिसीज हैं वो यहाँ होंगी, ये आप यूजुअली नहीं यूज कर रहे होंगे। अब यहां से ऑथेंटिकेशन हुई, इसमें रूल है कोई नहीं, स्किप हो गया, इसमें रूल है कोई नहीं, स्किप हो गया, तो बात यहाँ आ ही जाएगी और इसके अंदर जो आपने रूल डाले हुए हैं वो फिर प्रोसेस होंगे, जैसा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। 90% 99% तो ऐसे ही हो रहा होगा कि यहाँ और यहाँ बस, ये दरमियान में खाली, जिस तरह अभी सज्जाद भी कह रहे हैं कि उन्होंने इसको यूज नहीं किया। लेकिन इसको यूज करने का जो मकसद है वो क्या है? वो मकसद ये है कि आपने, आपको एकदम कोई कहता है कि यार एक पूरे नेटवर्क में फ्रीज कॉल कर दो, कोई नेटवर्क से कनेक्ट ना हो सके, फॉरन से कुछ ऐसा कर दो, क्या करेंगे? आइस लगी हुई है, आपको कहते हैं कि फ्रीज, नो बॉडी शुड बी एबल टू कनेक्ट। यानी आप इस अप्रोच की तरफ जाते हो कि जितने भी ऑथराइजेशन रूल्स बने हुए हैं उनको डिसेबल कर दें। देखिए, अगर आपके पास, और ये सारे रूल हर पॉलिसी सेट के अंदर अंदर जाकर आते हैं, तो अब अगर आपके पास कोई 10 तरह के पॉलिसी सेट बने हुए हैं और हर पॉलिसी सेट के अंदर आपके पास 20-20 ऑथराइजेशन रूल्स बने हुए हैं, मुश्किल हो जाएगा ना क्विकली रैपिडली एक्शन करना। हाँ, ये तो हो सकता है कि हम फॉरन से एक पॉलिसी सेट ऐड करें जो सब पॉलिसी सेट्स के ऊपर हो और उसमें जाकर हम फिर कंडीशंस बनाएं ऑथेंटिकेशन की, फिर ऑथराइजेशन की कंडीशन उसकी बनाएं, सिंगल कंडीशन ये तीसरे ही सेक्शन में सबसे नीचे, और उसको सबसे ऊपर फिट कर दें और उसमें डिनाई कर दें। लेकिन इसी मौके के लिए तो ये ग्लोबल एक्सेप्शन बनाएं। आप क्या करें, ऑन द फ्लाई किसी भी पॉलिसी सेट, जो पॉलिसी सेट नजर आया पकड़ें, उसके फौरन से ग्लोबल एक्सेप्शन में जाएं, यहां एक रूल डाल दें। एज्यूम कीजिए कि आपने ये रूल इसी काम के लिए डाला है और डिनाई कर दिया है, कुछ डिनाई ऑल कर दिया है। अब आप ये देखिए कि जो भी बंदा इस पॉलिसी से ऑथेंटिकेट होगा उसके बाद ऑथराइजेशन के लिए वो इस चैप्टर में आएगा, वहां है कुछ नहीं, फिर वो यहां आएगा। जब यहां आएगा तो ये डिनाई ओवरराइड कर जाएगा इन ऑथराइजेशन पॉलिसी रूल्स पे, क्योंकि ये उससे पहले है, ये यहीं पर प्रोसेस हो जाएगा, अगले तो होंगे नहीं। और ये डिनाई रूल आपने, ब्रॉड डिनाई रूल ये आपने पॉल सेट 2 में डाला है तो ये पॉल सेट 1 में भी चला गया, पॉल सेट 3 में भी चला गया, 4 में भी चला गया, 5 में भी चला गया, ये सब में चला जाएगा। ग्लोबल एक्सेप्शन ऑथराइजेशन पॉलिसी में रूल पंच करने का एक केस स्टडी हमने डिस्कस किया है। तो ग्लोबल एक्सेप्शन में डला हुआ रूल बाकी तमाम पॉलिसीज के अंदर प्रोलिफरेट हो जाता है।
हाँ आप इस फीचर को नहीं यूज करना चाहते जो उन्होंने दिया हुआ है, तो आप वो वाला काम कर लें जो हमने डिस्कस किया, एक ग्लोबल नंबर 1 के ऊपर आप एक पॉलिसी सेट जल्दी से ऐड कीजिए, इमरजेंसी पॉलिसी सेट, और उसके अंदर आप डिनाई कर दीजिए। दैट विल ऑल्सो वर्क द सेम वे, बट कई दफा ऐसा होता है कि आप के हाँ कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज बन गई होती हैं, पॉलिसी सेट्स चल रहे होते हैं, और आपको वन फाइन डे एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यार बंद तो सारा नहीं करना, लेकिन इन सारी चीजों पर इस एक चीज को तरजीह हो जाए, कुछ ऐसा कर दो। ये एक चीज हमने एक नई सोची है, ये सबसे पहले जरा ये हो जाए अगर, तो बजाय इसके कि मैं उसका पूरा पॉलिसी सेट टॉप पे लैदा बनाऊं, उसकी ऑथराइजेशन पॉलिसी लैदा बनाऊं, मैं किसी भी पॉलिसी सेट को खोल के उसकी ग्लोबल एक्सेप्शंस में वो ऑथराइजेशन रूल डाल सकता हूं। इसमें बना हुआ ऑथराइजेशन रूल, इसमें बना हुआ ऑथराइजेशन रूल, इसमें बना हुआ ऑथराइजेशन रूल, उस पॉलिसी के लिए इन सब की अहमियत एक जैसी है, मां सिवाय ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग की प्रेफरेंस के, अदरवाइज इनमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। मेरे पास कॉल सेट वन है, जब मैं इसके अंदर आ गया हूं तो अब मुझे अगर एक ही ऑथराइजेशन रूल डालना है तो वो आप यहां डाल दें, यहां डाल दें, या यहां डाल दें, फॉर कॉल सेट वन इट डज नॉट रियली मैटर, आप यहां ऐड कीजिए, यहां कीजिए, यहां कीजिए, कहीं से भी चलेगा। लेकिन अगर आपने एक ही ऑथराइजेशन रूल ऐड करना है और वो आप ग्लोबल एक्सेप्शंस में कर देंगे तो उसका असर बाकी पॉलिसीज में भी चला जाएगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको नहीं करना चाहिए। और कोई भी ऑथराइजेशन रूल जब आप क्रिएट कर रहे हैं और वो सिर्फ अकेला क्रिएट करना है आपने, तो आपकी मर्जी, आप यहां क्रिएट करते जाएं सारे, लेकिन जब आप यहां क्रिएट कर लेंगे तो फिर इससे ऊपर कुछ नहीं है। कल को आपने अपने ऑथराइजेशन रूल्स के ऊपर कुछ एनफोर्स कराना है तो आपके पास फिर इससे ऊपर लिस्ट में, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में फिर कुछ नहीं है। तो बेहतर यह है कि इसको खाली छोड़ दें, इसको भी कुछ खास ओवरराइड करने के लिए किसी कंडीशन को इन द लॉन्ग रन फ्यूचरिस्टिकली इसको छोड़ दें, इसको ना यूज करें। आप अपना जो भी रेगुलर रूल बनाया करें वो यहाँ आके बनाया करें, और इनको तभी यूज करें जब इनकी वाकई जरूरत है, और जो इनका एसेंस है उस एसेंस के हवाले से अगर कोई केस सामने आ जाए तो तभी इनको यूज करें। इन दोनों ने यूजली खाली ही रहना है, आप यहाँ रूल ऐड करेंगे या यहाँ करेंगे, ये स्पेशल कामों के लिए हैं, एक्सेप्शंस के लिए।